मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि रानी कमलापति के नाम से वर्ल्ड क्लास स्टेशन जाना जाएगा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर हबीबगंज नाम बदला क्यों गया। बीजेपी रानी कमलापति को ऐतिहासिक रोल मॉडल बता रही है, आदिवासी समुदाय से जोड़ रही है, तो कांग्रेस नाम बदलने से बेचैन है। हबीबगंज का नया नाम रानी कमलापति, एमपी में आदिवासी सियासत हावी, पीएम मोदी के दौरे से पहले चेंज, सम्मेलन से पहले कांग्रेस बेचैन। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से, हमारे जनजातीय आदिवासी समाज की ओर से। उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको उन्हीं की पहल पे मॉडल रेलवे स्टेशन का स्वरूप दिया गया है, उसका नाम रानी कमलापति रखा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के उद्घाटन से पहले नाम बदलने पर चर्चा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में गर्म है। स्टेशन का नाम ही नहीं बदला है बल्कि बीजेपी की सियासी रणनीति में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। सवाल है कैसे, तो इसका जवाब 15 नवंबर को पीएम मोदी के भोपाल दौरे में ही छिपा है। 15 नवंबर को जंबूरी मैदान में आदिवासी महासम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और उसके बाद वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति का उद्घाटन करेंगे। टारगेट आदिवासी वोट बैंक है, मकसद हिंदुत्व की सियासत को स्थानीय स्तर पर ले जाने की भी है। रानी कमलापति की तलवार का ये गौड़वाना के भील जानते हैं, गौड़वाना के आदिवासी जानते हैं, गौड़ जानते हैं कि भोपाल के अंदर भी गौड़ राजा आदि जनजाति का ही राज रहा है। इस राज को छीना गया था नवाबों के द्वारा। आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रस्ताव पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहर लगा दी। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी रानी कमलावती के रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी ने उनके नाम से स्टेशन का नाम करके बड़ा दांव खेल दिया है। रानी कमलापति भोपाल के अंतिम गोंड आदिवासी शासक निजाम शाह की रानी थी। उधर हबीबगंज का रानी कमलापति नाम होने से कांग्रेस बेचैन है। उसकी बेचैनी की वजह भी है 15 नवंबर को जबलपुर में वो भी आदिवासी सम्मेलन कर रही है, लेकिन ज्यादा चर्चा बीजेपी की हो रही है। पहली बात तो ये है, ये आदिवासी प्रेम इस बात से झलक रहा है कि आदिवासी उपयोजना का 13 करोड़ जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए खर्च होना था वो मोदी जी की रैली के लिए खर्च हो रहा है, ये इसका आदिवासी प्रेम है। और मैं इसको निरंतर आदिवासियों पर किस कदर शोषण हो रहा है इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर डाल रहा हूं, आपने अगर नोटिस ना किया हो तो आप जरा नोटिस कर ले। क्या जनजातीय गौरव की सियासी जंग में कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि जोबट विधानसभा उपचुनाव में उसकी हार को भी इसी से जोड़ा गया। वैसे 2018 में आदिवासी वोट का कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला था। शायद यही वजह है कि 2023 के लिए बीजेपी ने आदिवासी पर फोकस बढ़ा दिया है। देश में भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी स्थानीय गौरव, जनजाति गौरव, ऐतिहासिक संदर्भ पर आगे बढ़ रही है। शिवराज सरकार की पहल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जनजातीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के नवासी आदिवासी ब्लॉक में संशोधन लागू किए जाने की घोषणा भी करेंगे। अब इन सब के मायने क्या हैं, यह आसानी से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। हबीबगंज स्टेशन को अब रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कमलापति कौन है और क्या है उनका इतिहास। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता
अंचल शुक्ला से। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के साथ ही इतिहास के गुम हुए पन्नों से निकलकर एक बार फिर से लोगों के जहन में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर कमलापति कौन थी। कमलापति आखिर कौन थी, ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि रानी ना तो किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ाई गई और ना ही इतिहासकारों ने उनकी ज्यादा चर्चा की। दरअसल 16वीं सदी में भोपाल गोंड रियासत गिन्नौरगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, जहां राजा निजाम शाह का शासन था। रानी कमलापति उन्हीं निजाम शाह की सबसे खूबसूरत और चतुर रानी हुआ करती थी। निजाम शाह का भतीजा और बाड़ी का गोंड शासक आलम शाह गिन्नौरगढ़ का राजपाट और रानी कमलापति को हासिल करना चाहता था। उसने षड्यंत्र कर राजा निजाम शाह को जहर दिलवा दिया। निजाम शाह की हत्या के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को लेकर भोपाल चली आई और यहां अपने 7 मंजिल महल, जिसे आजकल कमलापति महल के नाम से जाना जाता है, में रहने लगी। वो अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी। उन्होंने कभी मुगल सेना के अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान, जिसने जगदीशपुर रियासत पर कब्जा कर लिया था, से मदद मांगी। दोस्त मोहम्मद खान 1,00,000 रुपए के एवज में मदद करने को तैयार भी हो गया और उसने हमला कर आलम शाह को मार भी दिया, लेकिन कमलापति के पास 1,00,000 रुपए नहीं थे, लिहाजा उसने बदले में भोपाल, जो उसे उस वक्त एक छोटा सा गांव था, दोस्त मोहम्मद खान को दे दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान पूरे गिन्नौरगढ़ पर कब्जा करना चाहता था। कहा यह भी जाता है कि वो रानी को भी पाना चाहता था। इसका अंदेशा होते ही रानी के बेटे नवल शाह ने दोस्त मोहम्मद खान पर हमला बोल दिया, लेकिन इस लड़ाई में नवल शाह मारा गया। जब रानी कमलापति को इस बात का पता चला तो दोस्त मोहम्मद खान के हाथों में पड़ने से पहले ही उन्होंने भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। इसके बाद भोपाल में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान का पूरी तरह से कब्जा हो गया। ये जो महल आप देख पा रहे हैं, ये 7 मंजिला, ऐसी किंवदंतियां हैं कि ये 7 मंजिला गहरा था, मतलब अभी आप जो ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं इसके नीचे भी 6 हिस्से हुआ करते थे, लेकिन बड़े तालाब का एक दरवाजा खोल देने के बाद ये धीरे धीरे जो है तो इस महल में पानी भर गया और रानी कमलापति ने यहीं पर जल समाधि ली और आज उन्हीं के नाम से 15 नवंबर को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती, जो कि भोपाल की अंतिम गोंड शासक थी, के नाम से हो चुका है। 15 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा इसका उद्घाटन भी करने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज भोपाल। और इधर भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ और उधर स्टेशन पर नाम बदलना भी शुरू हो गया। प्लेटफॉर्म पर हबीबगंज की जगह अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम के स्टिकर लगाने शुरू कर दिए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने। हबीबगंज स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा। जी हां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो हबीबगंज स्टेशन लिखा हुआ था उसको क्रेन की मदद से उन अक्षरों को निकाला जा रहा है, जहां पर हिंदी और अंग्रेजी में दोनों स्थानों पर लिखा गया था, धीरे धीरे उसको हटाया जा रहा है और अभी हाल फिलहाल की स्थिति में एक बैनर लगा दिया गया है जिसमें लिखा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यानी अब भोपाल हबीबगंज स्टेशन जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि भोपाल में एक आर्च ब्रिज भी बना है, रानी कमलापति महल भी है, इसको जल महल के नाम से जाना जाता है और अब इतिहास में एक बार फिर उस वीरांगना का नाम लोग गौरव के साथ लेंगे जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश दुनिया में उनके उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में ख्याति होगी। तो अब आप कह सकते हैं कि हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हैं जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनकर तैयार है और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर देश की जनता को समर्पित करेंगे। आशुतोष के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। तो ये तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हबीबगंज जहां जहां लिखा हुआ है वहां से इस नाम को हटाकर इसकी जगह कमलापति स्टेशन लिखा जा रहा है, उस नाम के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं, इस वजह से शहर के कई प्रमुख रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आम ट्रैफिक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस दौरान जंबूरी मैदान के सामने वाली रोड, महात्मा गांधी चौराहा,
भेल गोविंदपुरा से अवधपुरी चौक तक का रास्ता पूरी तरह से बंद रहेगा। बोर्ड ऑफिस से लेकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन और 7 नंबर से मानसरोवर की तरफ लोग नहीं आ जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस आम लोगों के लिए डायवर्ट रूट चलाएगी। पीएम के दौरे को लेकर राजधानी भोपाल में एसपीजी और पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। ये मॉक ड्रिल बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से हबीबगंज स्टेशन तक किया गया। इस दौरान करीब 50 वाहनों का काफिला निकला। जहां जहां से पीएम का काफिला गुजरेगा वहां मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से लेकर हबीबगंज स्टेशन तक के लिए सभी रास्ते बंद किए गए थे। जायजा लिया हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। मेरे पीछे जो आप काफिला देख रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब प्रधानमंत्री 15 नवंबर को भोपाल पहुंचेंगे तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में जो हेलीपैड बनाया गया है वहां से जब वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरेंगे उसके बाद इसी तरीके के काफिले में उनको हबीबगंज स्टेशन ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एसपीजी की टीम है, भोपाल पुलिस की टीम है, तमाम सुरक्षा एजेंसी यहां पर जुटी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहां पर उसी तरीके से जो है मॉक ड्रिल जो है किया जा रहा है। धीरे धीरे जो है पीएम का काफिला आ रहा है क्योंकि यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे तो यहां पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फूल बरसाएंगे मोदी पर। इस तरीके से कार्यक्रम बनाया गया और यही कारण है कि आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री जब यहां से गुजरेंगे तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं पहले ट्रैफिक पुलिस गुजर रही है, उसके बाद जो विशेष सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर तमाम गुजर रही हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जेमर लगाए गए हैं गाड़ी पर कि यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व कोई गतिविधि को अंजाम न दे सके। यही कारण है कि इस तरीके से जो वाहन है किस वाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे वो पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके से जो ब्लैक कार बीच में चल रही है इसी कार में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे लेकिन किसी को पता नहीं रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री किस वाहन से गुजरेंगे। करीब 50 वाहनों का ये काफिला रहेगा जिसमें हाई सिक्योरिटी रहेगी और आप देख सकते हैं कि तमाम जवान पूरी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है वो आ रही है कि जिस तरीके से यहाँ से बरकतुल्ला से उतरने के बाद वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। वहाँ पर वर्ल्ड क्लास जो स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे और आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो हैं पूरी तरीके से जुटी हुई हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना हो। यही कारण है कि इस तरीके से ड्रिल जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है और इस तरीके की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो इसी तरीके से उनका काफिला हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा। चलिए इस जायजे के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल के बीजेपी कार्यालय जहां पर अभी अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। यहां पर आतिशबाजी की जा रही है। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखने के बाद जश्न का माहौल है। आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये बीजेपी कार्यालय पहुंचने की तस्वीरें। बीजेपी कार्यालय को भी आदिवासी थीम पर सजाया गया है। मुख्यमंत्री ये सीधी तस्वीरें आपको बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं, अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्यालय के बाहर आतिशबाजी भी